अच्छा, इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट, किसको वोट कटवा बोलेंगे? महाराष्ट्र में वहाँ पर शिवसेना के 40 विधायक भाग गए, किसको जिम्मेदार करार देंगे वहाँ पर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। जैसा आपको बी टीम का कहा जाता है तो बस ये थे बी टीम, आप तो खुश होंगे फिर इस रिजल्ट से? नहीं, मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि भाजपा जीत गई, यकीनन मुझे तकलीफ़ है, और मुझे पहले से अंदाज़ा था, बल्कि जो मीडिया के जानकार लोग हैं जो हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात किए थे, हमसे कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, समाजवादी पार्टी से नहीं जीत पाएंगे। इतना अहंकार अखिलेश यादव का कि जिस पार्लियामेंट सीट से उनके पिताजी एमपी थे, फिर वो बने, आप वहाँ पर जाते भी नहीं लोगों को बताने के लिए कि वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इतना अहंकार। यकीनन हमको तकलीफ है कि भाजपा जीत रही है, मगर भारत के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करें कि अपनी सियासी पहचान को बनाएं, अपने मुखद्दर के फैसले खुद करेंगे आप, वरना आप इसी तरह होगा कि भाई पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश, अब उनके चचाजाद भाई, अब दोबारा कौन आएगा? पर गुड्डू जमाली को वोट देते तो क्या हो जाता, क्या आसमान गिर जाता? और यादव वोट को डिवाइड हो गया वहाँ पर, और आप मुसलमानों को बोलते कि अरे भाजपा को हराना है। अरे भाई, आप नहीं हरा पाएंगे भाजपा को, हम ये बात विधानसभा के चुनाव में कह चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी की हार पर ये ओवैसी जो है वो तंज कर रहे थे और कह रहे थे बीजेपी को हराने की ताकत समाजवादी पार्टी में नहीं है। पूर्णिया सिटी जानिए, पूर्णिया सिटी। हाँ, कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।